हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 का ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। आपको इसमें मैं क्वेश्चंस के मीनिंग समझाऊँगी और आपको क्या लिखना है इसमें समझ में आ जाएगा। अगर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इनके आंसर्स भी लिख के आपको अपलोड कर दूँगी किसी लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि नेम थ्री स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉयल एंड द क्रॉप विच इज़ मेनली ग्रोन इन इट। यहाँ पे बताना है ऐसे तीन स्टेट्स के नाम जहाँ पे कि ब्लैक सॉयल मिलता है और कौन सा क्रॉप मेनली ब्लैक सॉयल में उगाया जाता है। तो उस क्रॉप का नाम बताइए जो कि ब्लैक सॉयल में उगाया जाता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स में ही मेनली आते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एजेंडा 21। ये आपको एजेंडा 21 क्या है एक्सप्लेन करके बताना है और आप आराम से एजेंडा 21 के बारे में लिखेंगे इसमें। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉयल इरोजन। अब यहाँ पे दिया है कि सॉयल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। तो सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स उसके लिए लिए जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और लिखना है। तो 3 मार्क्स में आएगा तो आपको 3 स्टेप्स यहाँ पे बताने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि राइट 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। जो रिसोर्स प्लानिंग है उसके 3 स्टेजेस क्या क्या हैं वो आपको लिखना है। तो 3 स्टेजेस पूरी तरीके से आपको बता के डिटेल में लिखना है कि क्या क्या है 3 स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ एरिड सॉयल। जो एरिड सॉयल हैं उनके कोई भी 3 फीचर्स जो आपको अच्छी तरीके से आते हो, याद हो, वो आप एग्ज़ाम में लिखिए। तो 3 फीचर्स लिखने हैं यहाँ पे एरिड सॉयल के। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रेगुलर सॉयल। राइट इट्स 2 फीचर्स, मेंशन 2 रीजन्स वेयर दे आर फाउंड। रेगुलर सॉइल क्या है ये आपको बताना है सबसे पहले। फिर रेगुलर सॉइल के कोई भी 2 फीचर्स आपको बताने हैं और आपको फिर बताना है इसी क्वेश्चन में कि मेंशन 2 रीजन्स वेयर दे आर फाउंड। तो वैसे 2 रीजन्स के नाम बताइए जहाँ पे कि ये रेगुलर सॉइल मिलता है। तो ये 3 पार्ट इस क्वेश्चन में है और तीनों का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7th क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब एनी 3 मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए 3 मेजर्स मतलब 3 तरीके आपको बताने हैं, वो तरीके जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो 3 मेजर्स या 3 मेथड्स आपको डिस्क्राइब करना है, अच्छी तरीके से डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्स को कंजर्व करना या कंजर्वेशन ऑफ जो रिसोर्सेज है उसका इम्पॉर्टेंस क्या है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करिए, कोई भी अगर 3 मार्क्स में आते हैं तो 3 पॉइंट्स लिख के आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए और इम्पॉर्टेंस बताइए कि क्या इम्पॉर्टेंस है रिसोर्सेज को कंजर्व करने का। तो मैं अब कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे हम, तो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं टोटल 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज बाय गिविंग एनी 3 पॉइंट्स। नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, कोई भी 3 पॉइंट्स दे के आप उनके बीच में डिफरेंस बताइए। तो 3 पॉइंट्स डिफरेंस देके बताएंगे तो आपको पूरी तरीके से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिल जाएंगे पूरे पूरे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन। हमने इसके पहले जो देखा था वो क्वेश्चन में ये था कि आपको बताना है कि लैंड डिग्रेडेशन कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके 3 मेथड्स लिखने थे और यहाँ पे आपको रीजंस बताने हैं लैंड डिग्रेडेशन के। तो लैंड डिग्रेडेशन किस वजह से होता है वो रीजंस आप यहाँ पे एक्सप्लेन करिए। तो ये तो क्वेश्चंस मैंने समझा दिए कि इनमें लिखना क्या है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए
और मैं इनके आंसर्स लिख के आपको किसी लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में ही अपलोड कर दूंगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इन क्वेश्चंस में क्या लिखना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और टॉपिक के साथ।